मेरा नाम कैप्टन दयाराम, मैं लोहारू से बिलोंग करता हूं और मर्चेंट नेवी में मैं कैप्टन हूं। केयर का पौधा है? हाँ। ये देखिए मूंगफली किस तरीके से जड़ों में मूंगफली है, वो पूरी बनी हुई है। फ्लावरिंग काफी अच्छी आ रखी है इस पे तो। और ना है हिसार सफेद अमरूद, रेड डायमंड अमरूद, हिसार सुरखा, तीन ये गोल्डन बांस है। डेकोरेशन में और टिम्बर में दोनों जगह इसको यूज कर सकते हैं। ये मोहगनी है, ये मोहगनी का पूरा आड़ू शान है पंजाब वैरायटी का। ये सेब के पौधे हैं हरमन 99 के। ये आलू बुखारा फिर इधर है, किन्नू पे भी किन्नू है, वो लगा हुआ है इतने छोटे छोटे पौधों पे। हर प्लांट पे फ्रूटिंग अच्छी है कि कोई भी अगर किसी भी तरीके का प्लांट अगर लेना चाहता है तो आपके पास अवेलेबल है। सेलिंग मेथड बोलते हैं कैप्टन साहब इसको। इसमें फायदा क्या है किसान को कि इसमें ज्यादा पौधे लगते हैं? नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा। और आज हमारे दूसरे फार्म पे हम इस फार्म के आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलती है, लेकिन आज हमारे पास एक कैप्टन साहब आए हुए हैं, इनसे रूबरू कराएंगे। ये हमारा फार्म देखने आए हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ है वो सब चीज़ देखने आए हैं। तो आपका हमारी नर्सरी पर स्वागत है जी। धन्यवाद। आपका नाम क्या और कहाँ से हो आप? मेरा नाम कैप्टन दयाराम, मैं लोहारू से बिलोंग करता हूँ और मर्चेंट नेवी में मैं कैप्टन हूँ जी। और आपका मैंने बहुत जिक्र सुना है, वीडियो भी देखे हैं आपके, और आपसे मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूं और कुछ पौधे जो हमने पहले भी लगाए हैं और लेने आया हूं जी। दो आप दूसरी बार हमारे पास आए हो, आपने लगा दिए थे पीछे एक डेढ़ महीना पहले आपने बिल्कुल पौधे लगाए थे, तो अभी कुछ और पौधों की डिमांड है जी। फ्रूट वाले प्लांट हम लगाएंगे और उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। और आपने चाहा कि हमारा दूसरा फार्म आप देख के आए भी कैसा है? नहीं, वो तो आपने बताया कि हमारा एक और फार्म है जी, तो मैंने सोचा कि हाथों हाथ वो भी देख लिया जाए। तो यहाँ पे आपने देखा है कितने पौधे हैं वो लगे हुए हैं, और काफी आपने बहुत अच्छा ये फार्म बनाया हुआ है, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और बहुत अच्छा सिस्टम है आपका। अमरूद आपने देखा, अच्छी क्वालिटी के अमरूद हैं आपके। एक है देखो, कई मित्र हैं वो कमेंट करके पूछते हैं कि मदर ब्लॉक है या नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई पौधा तैयार करते हैं उसका हमारे पास मदर ब्लॉक होना चाहिए। तो मैं पीछे दिखा दूं भाइयों को, ये हमारे पास अमरूद का है, ये अमरूद है हिसार सफेदा और रेड डायमंड, दो वरायटी है इसमें अमरूद की है। ये हमारे पास इधर किन्नू, गंगानगरी किन्नू का वरायटी है। ये हमारे पास रेड ब्लड माल्टा का है, उधर हमारे पास डेजी किन्नू है, और उससे आगे हमारे पास मौसमी के हैं, वो मदर प्लांट भी हैं और डेमो के लिए लगे हुए हैं। अगर कोई फार्मर ये चाहता है कि ऐसे हवा में बातें करता रहता है तो क्या कहना चाहोगे कि भी ग्राउंड पे वो चीज़ है या नहीं? ग्राउंड पे वो चीज़ मेरे को दिख रही है, बहुत सारे यहाँ आपने प्लांट लगा के रखे हैं, जैसे वो आम हो गया, आम लगे हुए हैं और ये पपीता हो गए। पपीता पे दिखा दूँ आपको, फ्रूटिंग दिखा दूँ भाई, और बहुत अच्छी फ्रूटिंग। कैप्टन साहब मैंने पहले भी बताया था, पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये जीरो केयर का पौधा है। जीरो केयर, पौधे की केयर होती है लेकिन हमने 0% केयर की है इसकी, यानी कि हमने कुछ नहीं डाला। काफी अच्छी ग्रोथ है आपके पौधे की। हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, केवल अपनी मर्जी से चल रहा है ये। इसमें बीच में हमने मूंगफली लगा दी, अब की बार मल्टीपल जो खेती है ना उसी के अनुसार वो लगा दी है। नहीं मतलब किसान फ्रूट प्लांट्स के साथ और भी कमर्शियल खेती कर सकता है, एक दो साल तक वो खेती हुआ अलग अलग खेती कर सकता है। और ये अपने पास हिसार सफेद अमरूद है जो पीछे है। अच्छा जी, ये हिसार सफेद है, इस पर आपको फ्रूटिंग भी देखने को मिलेगा इस टाइम में। और ये फ्रूट अब वाला फ्रूट मैं देख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ फ्रूटिंग आई हुई है। दिखाई भाई, विकास भाई दिखाना, ये देखो फ्रूटिंग आई हुई है और ये लेट जाके तैयार होगा, तब तक बाजार में रेट इसका काफ़ी है, वो ज़्यादा मिलेगा किसान को जो लेट है। एक तो अमरूद का चल रहा है फिलहाल, प्रेजेंट टाइम सीजन चल रहा है उसमें तो रेट रहता है बहुत लो। देखिए इस तरीके से गुच्छे में लगता है, इसकी खासियत ये है हिसार सफेदा की, देखो तीन तीन फ्रूट है वो एक एक तरह गुच्छे में आए हुए हैं। ये देखिए आप, दो फ्रूट आए हुए हैं, तो आप देखोगे ये जो वैरायटी है हिसार सफेदा सबसे टॉप वैरायटी है आज के टाइम की, सबसे टॉप वैरायटी है। मूंगफली भी काफ़ी आपने देखा, मूंगफली देखी हुई, मैं फिर भी बता दूँ जो नए फार्मर हैं जिन्होंने अभी मूंगफली देखी नहीं थी किस तरीके से बनती है, तो ये देखिए मूंगफली किस तरीके से जड़ों में मूंगफली है, वो पूरी बनी हुई है बिल्कुल बिल्कुल, और स्वस्थ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, बारिश नहीं हो रही है तो भी ये बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी चल रही है आपकी मूंगफली। और आम भी हमारे यहाँ देखो, ये आम लगा हुआ है, इधर चीकू भी लगा हुआ है। चीकू की बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, मैं दिखा दूँ आपको, ये चीकू के प्लांट हमने अमरूद के बीच में ही हैं,
तो हम जब ये चीकू अपना बड़ा हो जाएगा तो इसके पास वाले जो अमरूद के प्लांट ही हटा देंगे। फ्लावरिंग काफी अच्छी आ रखी है इस पे तो, और केयर के नाम पे आप देख सकते हो। नहीं नहीं केयर तो खैर इतना बड़ा फार्म है तो उतनी मतलब नहीं पाएगी भैया। हम प्रॉपर ना अभी घास है, जैसे बारिश का टाइम आ गया अभी सारा घास इसका निकलवा देंगे, उसके बाद में ये मूंगफली निकलने के बाद ही, अभी मूंगफली का 15 दिन का टाइम और है, जैसे ही मूंगफली निकलेगी इसकी साफ सफाई हम अच्छे तरीके से है वो करवा देंगे। अभी आपको लेके चलेंगे नेट के अंदर, वहाँ क्या क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमारा जो फार्म है इसको अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये इसके अंदर डोर है एक, और इस डोर को क्या करना होता है, जैसे हम अंदर आते हैं इसको अंदर आके फिर इसको बंद कर देना होता है ताकि इसके अंदर कोई बीमारी ना जाए, इंसेक्ट ना जाए बाहर से जो हमारे पास आता है। और फिर इसके अंदर हमें 1-2 मिनट रहना होता है, और 1-2 मिनट अंदर रह के फिर हम इसको निकलते हैं अंदर की तरफ, ताकि जो कोई हमारे पास वायरस वगैरह चिपके आया हो वही इस रूम में है वो रह जाए। ये हमारा पूरा फार्म है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अपना है हिसार सफ़ेद अमरूद, रेड डायमंड अमरूद और हिसार सुरखा, 3 वैरायटियों के पौधे यहाँ पे तैयार कर रखे हैं हमने। 3 वैरायटियों के पौधे हैं वो यहाँ पे तैयार हैं। और ये बांस बाम्बू, ये गोल्डन बांस जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, गोल्डन वाला बांस है ये, इसके देखोगे आप कलर पे गोल्डन बांस है, और इस पर हरा रंग का आपको निशान दिखाई देगा, हर डंडी पे हरा आपको निशान है वो दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से ये गोल्डन बांस है, डेकोरेशन में और टिम्बर में दोनों जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और क्या इसकी हाइट हो जाती है भाई साहब? इसकी हाइट चली जाती है 50-60-70 फुट तक। ओके, और ये आपको पूरा लंबा दूरी तक दिखाई दे रहा है, ये हिसार सफ़ेद अमरूद है। इसके साथ में इधर अशोका के पौधे हैं, ये अशोका है। इसके साथ में ये महोगनी प्लांट, मैं आपको महोगनी प्लांट दिखा दूँ, ये महोगनी के पौधे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, महोगनी जिसके आप पहले भी आपने लगाया है। हाँ, और आज भी आप लेके जाने जा रहे, ये महोगनी है, ये वाले, ये महोगनी का पूरा बेड है। और ये देख के बता सकते हो आप फार्मर पर कितना स्टॉक है, ये भी आप देख के है। नहीं नहीं, स्टॉक आपके पास हर तरीके के पौधों का पूरा स्टॉक है। और ये अमरूद के पीछे, आप इनके पीछे दिखाई दे रहे हैं कैप्टन साहब के पीछे, ये सारा हिसार सफ़ेद अमरूद के पौधे हैं जो काफ़ी मात्रा में हैं जो पौधे हैं। इधर ये अशोका के पौधे हैं, ये इधर बांस बालकुआं वैरायटी का बांस है, कल बारिश हमारे यहाँ काफ़ी हुई है। और ये इधर आड़ू शान ए पंजाब वैरायटी का आड़ू के पौधे हैं, ये सारे के सारे ये आड़ू है। ये सेब के पौधे हैं हरमन 99 के, ये आलू बुखारा फिर इधर है, ये इधर देसी नीम है जो आपको दिखाई दे रहा है, देसी नीम। फिर नींबू और किन्नू को भी और दिखा दूँ आपको, छोटे छोटे पौधों पे आपको फ्रूट लगा हुआ दिखाई देंगे भाई, आप सोच के हैरान हो जाओगे कि ऐसा फ्रूट भी हमारे यहाँ पे हो सकता है क्या। ये देखिए आप, ये डेजी किन्नू है जिसके पत्ते आपको इस तरीके से लग रहे हैं, डेजी की पहचान होती है। और नींबू दिखाओ, इस पर देखो फ्रूट लगा हुआ है, किन्नू पे भी किन्नू है वो लगा हुआ है इतने छोटे छोटे पौधों पे। और इसमें हम रसायन का प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं करते, ऑर्गेनिक रूप से कैप्टन साहब, ये बिल्कुल कोई रसायन का प्रयोग नहीं है हमारे यहाँ पे। नहीं नहीं, वैसे देखिए आजकल केमिकल फर्टिलाइजर का तो जमाना अभी मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया। ये देखिए आप, अब नींबू पे बताइए, नींबू पे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है, ये देख सकते हो आप नींबू पे कितना ज़बरदस्त नींबू है वो लगा हुआ है। आइए आप इस साइड से हम निकलते हैं आपको दिखाते हुए। आम भी दिख रहा होगा आपको, आम के पौधे पे आम, छोटे छोटे पौधे आम पे भी फ्रूटिंग आ रखी है आपकी, ये आम लगा हुआ है बहुत अच्छा। और ये देखिए आम, ये आम लगा हुआ कितना ज़बरदस्त। और ये नींबू देख के तो हर प्लांट पे फ्रूटिंग अच्छी, कितनी फ्रूटिंग होगी एक पौधे पे अनुमान में आप लगा सकते हो, गैस कर सकते हो इस पे कितनी फ्रूटिंग। अभी अगर हम वेट करें तो 1 किलो के आसपास एक पौधे पे फ्रूटिंग है आपकी, फ्रूटिंग है। और तो ये फार्म जो आप देख रहे हो, कहीं जो किसान है दूर से, जो फार्मर वीडियो देख रहे हैं जो हमारे पास आ नहीं पाते, उनको डिलीवरी भी करा देते हैं क्या? डिलीवरी करवा देते हैं, लेकिन ब्लक का ऑर्डर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज रहता है फार्मर का। अच्छा अच्छा अच्छा, हम अपनी तरफ से डिलीवरी नहीं करते, जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है वो फार्मर बेयर करेगा, फार्मर बेयर करेगा। हाँ, उसको शेयरिंग करवा सकते हैं, किसी एक दो फार्मर उस रूट का हो ना उसके साथ में शेयरिंग करवा सकते हैं, ताकि उसको ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कम रहे। सही, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो फार्मर दूर से वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि कोई हिमाचल में देख रहा है, कोई MP में देख रहा है,
तो वो फार्मर क्या सोचे माइनर्सी के बारे में भी, कितना स्टॉक है हमारे पास? नहीं देखिए, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्टॉक के मामले में तो आपका स्टॉक इतना है कि कोई भी अगर किसी भी तरीके का प्लांट अगर लेना चाहता है तो आपके पास अवेलेबल है। अवेलेबल है हाँ, और कितनी भी क्वांटिटी का, क्वांटिटी में ले सकते हैं। हाँ, तो वो अगर आए या आपको कॉल करके, जैसे आपने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन वो बेयर करे जी, तो आप अवेलेबल करा सकते हैं जी। तो मतलब ये किसानों को देखिए, अभी अपना जो रूटीन एग्रीकल्चर है उससे हटके थोड़ा सा इधर ध्यान देना चाहिए जी, फ्रूट प्लांटेशन पे। इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फायदे हैं जी। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारे कैप्टन साहब, इन्होंने ड्रैगन भी देखना चाहा कि हमने ड्रैगन किस तरीके से लगा हुआ है। केवल 3-4 महीने पहले जो हमने लगाया था, इसमें ये फुटाव ही चल पड़ा, ये लगने के बाद का फुटाव है, ये आपको दिखाई दे रहा है, लगने के बाद है वो फुटाव है। ट्रेलिंग मेथड बोलते हैं कैप्टन साहब इसको, ट्रेलिंग मेथड है। नीचे 2 वायर हैं, फिर 2 वायर हैं, ज़्यादा गैप देके ऊपर है 6 वायर। इसमें होगा क्या, पहले हम इसके पास में डंडी लगाएंगे, डंडी के सहारे इस पर चढ़ता हुआ ये 3 इधर की जो वायर हैं इस पर से इधर वाला इस साइड आ जाएगा, और जो दूसरे वाला है वो दूसरी साइड चला जाएगा। इसमें फायदा क्या है किसान को कि इसमें ज़्यादा पौधे लगते हैं और बजट इतना नहीं रहता, इसमें संख्या क्वांटिटी नंबर ऑफ प्लांट है वो बढ़ जाती है, ताकि जो किसान हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। मतलब जो स्टैंड वाला सिस्टम है ये उससे अच्छा है, उसमें एक पोल पे 4 ही लगेंगे और इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये 14 फुट का, इसमें 12-24 पौधे हमने लगा रखे हैं एक एक फुट के गैप से। अच्छा, अगर इसमें 1-2 पौधे की मोटरलिटी भी हो जाती है फिर भी इसमें काफ़ी पौधे वो हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी कनोपिए हैं वो ले लेंगे। तो ये था हमारा ड्रैगन का फार्म जो आपने देखा, आपकी इच्छा थी कि ड्रैगन मुझे देखना है, तो ये एक रो हमने लगा रखी है, केवल डेमो के लिए लगा रखी है हमने। बाकी हमारे पास इस पीछे आपको सेब भी है, अभी जो ये रेनी सीजन चल रहा है तो इसमें खरपतवार थोड़ी ज़्यादा, ये धीरे धीरे निकल जाएगी, इसके बाद में है वो आपको अलग फील्ड देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा आपने सेट किया है, और अगर इस सिस्टम से किसान भाई ड्रैगन की खेती करेंगे तो वो कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। तो कैप्टन साहब, आप यहाँ पे आके देखें तो जो फार्मर हमारे पास आए तो उनको स्टॉक का क्या रहेगा, कितनी दूरी में फार्म है और कैसा फार्म है, ये एक बार बता दें आप। देखिए स्टॉक के हिसाब से आपके पास स्टॉक तो काफ़ी है, हर प्लांट का आपके पास काफ़ी स्टॉक है। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वो आपके पास आए और अपना जो रूटीन खेती है उसके साथ साथ फ्रूट प्लांटेशन के लिए भी थोड़ा अपना सहयोग दें, उससे एटमॉस्फेयर जो हमारा पर्यावरण है उसमें भी सुधार होगा, ग्लोबल वार्मिंग में भी सुधार होगा, और हमारे उनको अपना ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स मार्केट से खरीद के लेके आते हैं वो ऑर्गेनिक बोल के भी ऑर्गेनिक मिलते नहीं है जी जी, तो हम खुद अगर उसकी खेती करेंगे तो वो ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी उनको मिल जाएंगे। तो जो फार्मर देख रहे हैं तो उनको एक 2-3 चीज हैं, एक हमारा खुद का फार्म हाउस है, ये कहीं हम किसी दूसरे के फार्म हाउस में नहीं खड़े, स्टॉक काफ़ी है, मदर प्लांट अपने पास हैं, उन्हीं पौधों से हम खुद पौधे तैयार करते हैं, और ब्लॉक में है, हेल्दी पौधे हैं, आपको पौधे ग्रीनरी देख के पता चल रहा होगा। नहीं, आपके पौधे बिल्कुल काफ़ी हेल्दी है, कल का बारिश हुई थी तो पानी भी बेडों में भी खड़ा है, बाकी हमारी ज़मीन ऐसी है ये ज़्यादा लंबे समय तक पानी का नहीं रोकती है, पानी निकल जाता है। तो अगर आपको पौधे चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.organicagriculturenursery.in पे जाके संपर्क कर सकते हैं, नर्सरी पे विजिट कर सकते हैं। ये हमारा फेज़ नंबर 2 था, यानी फार्म नंबर 2 था, फर्स्ट नंबर फार्म हमारा ऑन रोड है, 1.5 एकड़ में वो है, 3 एकड़ का फार्म आपको दिखा दिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग अलग इस फार्म की वीडियो भी आपको समय समय पर आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।